सीतापुर तक सिर्फ एक ही लंगर चल रहा था, वहाँ पर आप रह भी सकते थे, खाना भी खा सकते थे, नहा भी सकते थे, भाई काफी मजा आया। एक दिन हम वहाँ रहे। आप हरिद्वार से जल उठाते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि हरिद्वार से लेकर जो ज्वालापुर की जो दूरी है वो सिर्फ 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर आप आराम आराम से अगर चलेंगे तो 12 किलोमीटर आराम से आप पहुंच जाओगे। वहां जाके आप अपना आराम करना और खाना पीना खाना। और अभी ये चेक करो, जय बोले की बोले, कहां तक जाओगे? दिल्ली। तो भाई आपको एक बात बताऊं कि यहां पर जितने भी कांवड़ यात्री आए हुए हैं इनमें ज्यादातर सब दिल्ली के ही हैं भाई। तो भाई कहते हैं कि भगवान चाहे तो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं भाई। ये जो हम इतना पैदल चल रहे हैं 200-300 किलोमीटर, ये अपनी मर्जी नहीं, ये ऊपर वाले की मर्जी से चल रहे हैं, भोलेनाथ की मर्जी से चल रहे हैं, वरना भाई हम से 2-4 किलोमीटर पैदल नहीं चला जाता। और आप देख लो भाई भोले 100-200 किलो भाई जल लेके पैदल चल रहे हैं। तो भाई ये है कलश जो भाई भोले लेके जाते हैं, और हमें दिखा भाई एक पीतल का कलश, ही आप देख सकते हैं भाई ये हजारों में एक आधा ही हमें दिखाई है जो पीतल का कलश है, बाकी सब जो है वो स्टील के ही कलश है भाई। वैसे जो माना जाता है वो पीतल का ही कलश माना। भाई ये वाला जो नहर वाला जो रास्ता दिया है ना, ये अच्छा तो है, बढ़िया रास्ता है, इसमें कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे क्या बोलते हैं, बड़े बड़े डीजे कावर होते हैं, बड़े बड़े कावर होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, जो भाई डाक कावर होती है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि वो भाई एकदम आगे चले जाते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इन्हें साइड हटने में, मतलब एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं, भगवान ना करे ऐसे हो। इसीलिए भाई ये रास्ता नहर का रास्ता दिया गया है ताकि ये दुर्घटना से बचे। सामने आप देख सकते हैं भाई एक तिरंगे वाली कावड़ जा रही है, वो काफ़ी बड़ी कावड़ है, इसलिए वो नहर के रास्ते से नहीं जा पा रही, इसलिए वो हाईवे के रास्ते से जा रही है। तो देखते हैं भाई हम भी हाईवे के रास्ते से ही जाएंगे, क्योंकि भाई हमें आपको डीजे कावड़ दिखानी है, कॉम्पिटिशन है, बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन होता है, वो भी दिखाना है भाई। इसलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हाँ हम हाईवे पर पहुँचे। हाईवे भाई हमारे सामने ही है, पर हम हाईवे पर नहीं जा सकते, अभी हम पैदल ही चल रहे हैं इस वाले नहर वाले रास्ते से, क्योंकि जो भादो कांवड़ यात्रा होगी वो 10 तारीख के बाद ही निकलेगी, बढ़िया मज़ा आएगा। जब तब तक हम चल रहे हैं इसी पैदल वाले रास्ते से। हर हर महादेव, जय जय जय।
रहा है, तो हम कहीं जगह देखेंगे बढ़िया सी, वहीं पर अपना टेंट लगाएंगे। तो भाई ये हो रहा है भंडारा, आप देख सकते हैं बहादुराबाद हरिद्वार का भंडारा है, और कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है यहाँ पर। सीतापुर के बाद यही एक विशाल भंडारा है। सीतापुर से जब आप 6 या 7 किलोमीटर आगे आओगे तभी आपको भंडारा मिलेगा। यहीं पर आप अपना रुकना और यहीं पर आप अपना भोजन खाना। भाई हमारा तो बढ़िया से हो गया, आप देखते हैं कहीं ठहरने की जगह, देखते हैं क्या हिसाब है क्या नहीं यार। और अभी सामने हमारे भाई ने भाई फोन चार्ज पे लगा रखा है, हम भी लगाते हैं देखते हैं। और भाई यहाँ पर जो जगह है ना भाई, एकदम ओपन जगह है भाई, ओपन जगह, इसलिए जो भंडारा हो रहा है ना काफी ओपन जगह में हो रहा है। और सामने से जा रही है भाई नहर, ये देख सकते हैं भाई, सभी यात्री जो हैं भाई आराम से बैठ के खा रहे हैं। हमने भी खा लिया भाई, पेट भर गया यार। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे बढ़िया सी यात्रा के साथ। हमारा रुड़की जो यहाँ से बचा हुआ है वो 18 किलोमीटर बचा हुआ है, आराम आराम से जा रहे हैं क्योंकि भाई हमें 15 तारीख तक हमें पहुँचना है, इसलिए अब की बार हम पूरा महादेव में जल चढ़ाने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो भाई अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना, क्योंकि भाई नई नई अपडेट के साथ हम आपको कांवड़ यात्रा के बारे में अपडेट देते रहेंगे। और यहाँ देख सकते हैं भाई कितनी सारी कांवड़, भाई बहुत कांवड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कांवड़ है भाई, कम से कम हज़ारों कांवड़ है, क्योंकि ये जो भंडारा है भाई ये बिल्कुल ओपन हो रहा है, काफ़ी बड़ा भंडारा हो रहा है। तो कोई टेंशन मत लेना, आप अगर हरिद्वार से आप आ रहे हैं तो हरिद्वार से पहले स्टॉप आप लेना सीतापुर, जो कि आपका पड़ेगा 12 किलोमीटर, और उसके बाद आप लेना स्टॉप यहाँ 6-7 किलोमीटर पड़ेगा भादराबाद, भादराबाद हरिद्वार, नाम भी थोड़ा अजीब है इसलिए बोलना में थोड़ा दिक्कत हो रही है, भादराबाद हरिद्वार में। उसके बाद हम आगे आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या हिसाब है, कहाँ कहाँ आप रुक सकते हो। तो इसी के साथ हर हर महादेव, जय भोले की।